और जो नए मार्केट है वो तो मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका, लेकिन ये है यहाँ का कोई पुराना मार्केट। और ये वाला जो एरिया है ना भाई, बिल्कुल खुला खुला है। और यहाँ पे जो भी आपको लेडीज वगैरह बैठी हुई दिख रही है ना, सारी की सारी यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट है। हेलो भाई साहब। यस, मैं अभी साजिद खान, जयपुर से हूं। मैं भी इंडिया ने यहाँ के, ये मान लो यहाँ के बिजनेस में इंडिया का दबदबा है, इंडिया वालों का। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ मेडागास्कर की कैपिटल है एंतानानारिवो। एंतानानारिवो में मैं काफ़ी दिन से यहीं पड़ा हूँ यार। गले से ही लग रहा होगा, आवाज़ से ही लग रहा होगा कि कुछ मामला ठीक नहीं है। एक्चुअली मैं पिछले 7-8 दिन से होटल में पड़ा था, बीमार हो गया था, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। कफ, कोल्ड, हेडेक, वीकनेस, पता नहीं कोविड तो नहीं आ गया था। कोविड वाले सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, कोविड वाले थे। तो पिछले 8 दिन से मैं अपने होटल में पढ़ा था यहाँ मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर का सारा प्लान है ना, वो सारा का सारा चौपट हो गया है मेरा, ये मान लो यार। जो जो सोच के आया था ना कि मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, साउथ पार्ट तो घूम लिया, लेकिन नॉर्थ पार्ट में बिल्कुल भी जाना नहीं हुआ। और अब मेरे पास 3 दिन हो रहा है, तो 3 दिन में मैं जो लोकल ताना बोलते हैं लोग, एंतानानारिवो, लोकल एंतानानारिवो है ना, इसको एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ का लोकल लाइफ स्टाइल, यहाँ की मार्केट वगैरह ये देखूँगा। मैंने 3 दिन ही रखे थे, लेकिन बीच का जो 8 दिन था ना वो गायब, केवल होटल में पड़ा रहा। तो अभी चलते हैं। और ये ऊबड़ खाबड़ यहाँ की सड़कें कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे सिटी में भी ऐसे ही सिटी सेंटर है। अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, ये है यहाँ का सिटी सेंटर। और आवाज़ अभी भी बहुत भारी भारी लग रही है, तो थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लियो भाई साहब। अभी मार्केट खुल ही रहा है, अभी मुझे खाना खाने जाना है यहाँ पे। यहाँ पे दाल चावल खा रहा हूँ पिछले 5 से। ये अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, वहाँ पे इंडियन खाना था, दाल चावल वगैरह। अभी देखो ये खुल ही रहा है, बस मार्केट अभी खुल ही रहा है, पूरी तरह से खुला नहीं। आज आप लोगों को जो एंतानानारिवो है, मेडागास्कर की कैपिटल है, वो दिखाऊंगा, यहाँ की मार्केट दिखाऊंगा। फिर कल है जो मैं यहाँ के लोकल फूड वगैरह वो एक्सप्लोर करने जाऊंगा। और अभी मैं हूँ जो एक कोई शालीमार रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर खाना पीना खाऊँगा, दाल चावल ऑर्डर करूँगा। और मेडागास्कर वैसे कंट्री काफ़ी अच्छी है, पॉवर्टी तो है ही यहाँ पर, लेकिन आज जो थोड़ा सा मुझे बेटर फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। मेरी आवाज़ भी, आवाज़ बिल्कुल दब गई थी, मतलब बोला भी नहीं जा रहा। तीन चार दिन तो ऐसा था कि गले से एक वर्ड तक नहीं निकल रहा था, इतना गला बैठ गया था मेरा। और ये है कोई इंडियन रेस्टोरेंट, वो सामने सारे के सारे मुझे इंडियन बैठे हुए दिख रहे हैं। थैंक यू। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर किया है, ये देखो, ये है दाल, दाल है 10,000 अरियरी की। और ये चावल है 15,000 अरियरी का। दोनों का प्राइस मिला के होता है लगभग 375-70 इंडियन रुपीज़ के लगभग। और ये है अलग से मिर्ची, ये जो दाल है इसमें बहुत कम मिर्ची डालते हैं, और ये वाली होती है ना इतनी ज़बरदस्त होती है भाई, धुआं निकलने लगता है थोड़ी सी देर में। अभी यहाँ का खाना पीना हो गया और अच्छा था, दाल चावल ठीक ठाक थे। अभी यार मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया, 2 बार इंटरनेट ख़त्म हो गया अब तक। मैं यहाँ पे लगभग 5.5 से 6,000 का इंटरनेट रिचार्ज करवा चुका हूँ। यहाँ पे इंटरनेट इतना महंगा है पूछो मत, तो मुझे वापस से एक बार फिर से इंटरनेट रिचार्ज करवाना पड़ेगा। एयरटेल और ऑरेंज 2 सिम ले रखी है मैंने यहाँ पे। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? इस भाई से जो मैं पहले काफ़ी बार मनी एक्सचेंज करवाया था, हाउ आर यू? गुड, या। और अब आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की मार्केट, थोड़ा सा मैं इंटरनेट रिचार्ज करवाऊँगा। अभी ये देखो, ये मार्केट ओपन हो ही रहा है। शाम दोपहर में यहाँ पे इतनी हलचल होगी, इतनी ज़बरदस्त वाली हलचल होगी इस मार्केट में, बहुत ज़बरदस्त। अभी तो मैं थोड़ा सा इंटरनेट रिचार्ज करवा लेता हूँ, फिर बाद में दिखाऊँगा आप लोगों को ये मार्केट। सब आइटम मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक से लेके कपड़े से लेके बर्तन तक सारा आइटम मिल जाएगा आप लोगों को। सुबह का 11 बज गया है और मंडे है, मंडे होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ का मार्केट ना पूरी तरह से नहीं खुला है। संडे सैटरडे तो पूरा बंद ही रहता है, पूरा बंद रहता है, खाने तक के लिए भी कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। आज मंडे है लेकिन आज भी सारा का सारा आधे से ज़्यादा मार्केट बंद पड़ा है अभी तक। वो पीछे एक भाई बोल रहा है कि आज मंडे है तो आज भी क्लोज है। यार 3 दिन तो हो गया, सैटरडे संडे मंडे, फिर काम कौन से दिन करते हैं भाई? अभी मेरे को एयरटेल का वो देखना है यार, कोई शॉप मिल जाए। 3 दिन बंद रहता है तो फिर काम कौन से दिन करोगे भाई लोग आप? सामने एक कैनोपी लगाइए, एक बंदा बैठा तो है, शायद यहाँ पे मेरे को रिचार्ज मिल जाना चाहिए, यहाँ पे मिल जाना चाहिए। नहीं मिला वहाँ पे भाई।
और यहाँ पे जो भी आपको लेडीज वगैरह बैठी हुई दिख रही है ना, ये महिलाएं सारी की सारी यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट है। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन इतना ज़्यादा है यहाँ पे मेडागास्कर, मैंने देखा हर गली में आप आवाज़ लगाती रहती है। ओह माय गॉड, तौबा तौबा, ये कौन सी गली में आ गया, मेरे को देखना इंटरनेट रिचार्ज में शायद गलत गली में आ गया। और यहाँ पे देखो ये वाला मार्केट ना, यहाँ पे सबसे भीड़ भाड़ वाला मार्केट होता है। यहाँ पे लोग फुटपाथ पे है ना, जो सुबह सुबह अपने ठेले जमा लेते हैं, ऐसे सामान रख लेंगे। आज तो फिर भी मंडे की वजह से, यहाँ पे मंडे की वजह से बंद है। सो गाइस, यहाँ पे मैं पहले भी आके गया था इंटरनेट रिचार्ज के लिए, फिर मैं दूसरी जगह गया तो मुझे वहाँ पे इंडियन बंदा मिला। आवाज़ थोड़ा खसखस खसखस हो रहा है, इंडियन बंदा मिला, अपने मुंबई के ही हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो उनके साथ चाय कॉफ़ी पी, फिर मैंने उनको बताया यार इंटरनेट रिचार्ज नहीं मिल पा रहा, मुझे पूरे मार्केट में घूम लिया। फिर उन्होंने बोला कि आओ मेरे साथ आओ। और इस बंदे की आवाज़ में पहले भी आके गया था, ट्रांसलेटर भी यूज़ किया लेकिन बात नहीं बनी। और ये भाई अपने मुंबई से, हेलो ब्रदर, My name is Nasir, I am from Bombay, India. तो इस भाई से मिला हूँ अभी, तो काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस, सुबह मुझे नासिर भाई मिल गए थे, इंडिया से ही हैं, मुंबई से हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आए खाना पीना खाने। पर ये बाहर का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये शायद मैंने पहले दिखाया होगा आपको, काफ़ी अच्छा एरिया लग रहा है मुझे, खुला खुला लग रहा है। बाकी अभी मैं आप लोगों को यहाँ की मार्केट वगैरह भी लेके चलूँगा, मार्केट वगैरह दिखाऊंगा। आज का मेरा मेन पर्पस यही था, मार्केट वगैरह देखना। नासिर भाई मिल गए मेरे को, तो काफ़ी हेल्प मिली उनसे, काफ़ी अच्छे बंदे हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने दिन में देखा, मैं नासिर भाई के साथ उनके घर में भी आया था, और नासिर भाई मुझे यहाँ पे मार्केट में मिले थे। तो अभी मैं शाम को वापस, एक्चुअली यहाँ पे दिन में बारिश हो रहा था, ज़बरदस्त वाला बारिश हो रहा था यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली मौसम कैसा होता है, सुबह दोपहर दो तीन चार बजे तक मौसम बिल्कुल क्लियर, वेदर बिल्कुल साफ रहेगा, अचानक से बारिश का बादल बनेंगे, बारिश का मौसम होगा, और फिर शाम तक लगभग 7-8 बजे तक बारिश चलती रहती है यहाँ पे। तो अभी मैं नासिर भाई के घर पे ही हूँ। नासिर भाई ने बोला कि आज खाना आप लोग हमारे घर पे ही खाइएगा, और नासिर भाई के अपने, मुझे अच्छा लगा कि जयपुर के लोग यहाँ पे मिल गए मुझे, ये सारा सब कुछ जानते हैं मेरे एरिया के बारे में। तभी आप लोगों को मिलवाता हूँ सबसे पहले तो अपने भाई लोगों से, ये सारे लोग साथ में ही रहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इस भाई से मिला। हेलो भाई, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया भाई, बढ़िया। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, और ये भाई मिले ना अपने जयपुर के, यहाँ बहुत अच्छा लगा भाई से मिल के। भाई बहुत अच्छी वीडियो वगैरह बनाते हैं। जयपुर में कौन सी जगह रहते हैं आप? जयपुर में मैं सिटी में रहता हूँ, सुभाष चौक। अच्छा, मिल के पास में सुभाष चौक करके, वहाँ तो दिन रात आना जाना लगा रहता है। सुभाष चौक से 30 किलोमीटर आगे मेरा घर है गाँव में। बिल्कुल। तो आज के मौसम देखते हुए हम खाना बना रहे हैं, जयपुर की डिश कहते हैं राने, बड़े बड़े पीस होते हैं मटन के। अच्छा, वो बना रहे हैं, वो अभी आपको दिखाते हैं अंदर। बिल्कुल दिखाते हैं भाई को कि कैसे बनती है। बिल्कुल, जरूर। अच्छा लग रहा है यार, मतलब मेडागास्कर में कोई इंडियन के साथ में यहाँ पे बैठ के खाना पीना खाऊंगा। यदि बाहर अदर कंट्रीज में अपनी कंट्री के लोग मिलते हैं ना, तो काफी अच्छा लगता है। और एक भाई, हेलो भाई साहब। यस, माय नेम इज सादिक खान, जयपुर से हूं मैं भी, पहाड़गंज सूरजपुर। अच्छा, और कैलाश जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मुझे भी आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी, मतलब मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं सर ऐसा लग रहा है जैसे अपन जयपुर में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसे फील नहीं हो रहा है कि मैं मेडागास्कर में बैठा हूँ। ऐसे लग रहा है कि खास तौर से जयपुर वाले मिल गए तो मजे की बात है। नहीं, नासिर भाई भी बहुत, नासिर भाई भी अपने इंडियन है, नासिर भाई भी अपने मुंबई से, बहुत बढ़िया। उसके अकॉर्डिंग हमारे आसिफ भाई बहुत लाजवाब खाना बना रहा है, राने बना रहा है बकरे की। नासिर भाई, मजे सब बढ़िया, मजे सब फर्स्ट क्लास है। अब मैं चलता हूँ आप लोग, आसिफ भाई का क्या खाना बना रहे हैं यार। अभी खाना दिखाते हैं आपको, ये जयपुर की डिश बनती है मटन की राने, बड़े बड़े पीस। मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने बड़े पीस। अच्छा, आधा कर दिया। अच्छा, ये देखिए आप, मटन की राने हैं, इसको अभी हम बनाएंगे, और थोड़ी देर बाद जब रेडी हो जाएगी, जब आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी है, भाई कैलाश भाई बताएंगे कैसी बनी, टेस्ट करके। वाला अदरक पिस गया। बिल्कुल, जरूर। अच्छा नहीं बना होगा ना, तो बताऊंगा नहीं किसी को कैसा बना है। चालू हो गया। बहुत शानदार, अच्छा बना, ग्रेवी डालो, जबरदस्त बना है भाई। मैं सोच रहा था इनकी नर्वसनेस देख के ना, मैं यूँ अंदाजा लगा रहा था कि भाई ने अच्छा नहीं बनाया, बनाया जबरदस्त है। आशी भाई, थैंक यू, वेलकम बॉस, थैंक यू। गुड आफ्टरनून गाइस, कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं नासिर भाई के साथ चला गया मार्केट, यहाँ के विजिट कर रहा था,
और फिर उसके बाद है जो शाम को बारिश होने लग गई, फिर मैं नासिर भाई के घर चला गया, फिर वहाँ आसिफ भाई आ गए, तो हम तीन चार लोग, फिर मैंने कल डिनर वहीं पे किया था। और अभी भी है मेरा गला तो बैठा हुआ है भाई, ज़बरदस्त वाला बैठा हुआ है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की कुछ मार्केट्स वगैरह को एक्सप्लोर करना, क्योंकि मैं कल यहाँ पे आज और कल यहाँ पे हूँ, परसों शाम को मेरा लगभग 5 बजे के लगभग मॉरीशस के लिए फ़्लाइट है, तो मैं कल शाम को यहाँ से निकल जाऊँगा, तो सोचा क्यों ना थोड़े से मार्केट वगैरह, 7-8 दिन से बीमार पड़ा था यहाँ पे, तो सोचा क्यों ना जाते जाते आइए मार्केट वगैरह एक बार थोड़ा सा घूम लेते हैं, और आप लोगों को भी थोड़ा सा मार्केट वगैरह दिखा देते हैं कैसी क्या मार्केट है मेडागास्कर के। तो चलिए, कल वाला दिन तो बारिश की भेंट चढ़ गया था, और आज आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ की मार्केट वगैरह। व्हाट आर सेइंग? या ये बेबी, ये लड़की कैमरा देख के ना बड़ी खुश हो रही थी। व्हाट आर यू डूइंग हियर? कैमरा देख के बड़ा खुश हो रही थी। मुझे लग तो ऐसे रहा है आज ही बारिश होने वाली है। यहाँ पे रोज क्या है, बहुत शांत, दोपहर तक 2-3 बजे तक वेदर एकदम क्लियर, एकदम साफ रहेगा, धूप रहेगी अच्छी खासी, लेकिन उसके बाद बस आधे एक घंटे में मौसम बनेगा बारिश का, और बस फटाफट फटाफट बारिश होने लगती है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे, अरे राम, ये कैसे गला रखे हैं, कितने सड़ा रखे हैं इन फ्रूट्स को। क्या डूरियन बोलते हैं, कटहल बोलते हैं या डूरियन बोलते हैं उनको? इंडोनेशिया में डूरियन बोलते हैं। और जो नए मार्केट है वो तो मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका, लेकिन ये है यहाँ का कोई पुराना मार्केट। ये मार्केट कल मैं जब नासिर भाई के साथ आया था ना, तब मुझे दिखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक बार ये मार्केट आप लोगों को दिखाई देता हूँ। उधर चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो भाई, स्पीकर वगैरह इन लोगों ने लगा रखे हैं यहाँ पे ज़बरदस्त। रोड बड़ी छोटी है यार, अब एक गाड़ी आ रही है तो आपको साइड में हटना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे गिटार। व्हाट हैपेंड? You pay attention, we fish, be careful, because if a young girl can take, give you fish for five. For five? Yeah, be careful. Okay, thank you. ये भाई मुझे बोल रहा था कि थोड़ा सा केयरफुल रहना, नहीं मालूम चला ये हाथ से कैमरा यूं जाता ही दिखेगा। मैंने बोला यार पता नहीं, जहाँ भी अफ्रीकन कंट्रीज में जाता हूँ ना, सब यही बोलता है भाई केयरफुल रहना, केयरफुल रहना, लोग ये छीन ले जाएंगे, लोग वो छीन ले जाएंगे, लेकिन आज तक कोई एक रुपया नहीं छीन पाया मेरे से, सही बता रहा हूँ, कोई एक रुपया नहीं छीन पाया मेरे साथ, ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं अभी तक। अब पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं स्नेचर्स, वैसे ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। इथियोपिया के बारे में लोग बोलते हैं, केन्या के बारे में लोग बोलते हैं, युगांडा के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ आज तक ऐसा स्नेचिंग वाला मामला। हाय, हाउ आर यू? गुड। ये देखो यहाँ पे बस फुटपाथ पे ये लोग रेडी वगैरह लगा के और बेचते रहते हैं, फुटपाथ पे भी रख लेते हैं ऐसे, फुटपाथ पे नीचे ही रख लेते हैं और बेचते रहते हैं। ये देखो कोई छोटा मोटा सामान हर कुछ। ये भाई साहब है यहाँ पे मोबाइल बेच रहे हैं, शायद सेकंड हैंड मोबाइल है। और ये आ गया, इस एरिया में तो मैं पहले भी आया हुआ हूँ यार, ये वाला एरिया पता नहीं मैं कितनी बार घूमते घुमाते ना इसी एरिया में पहुँच जाता हूँ, पूरा सिटी के चक्कर मार के आऊँगा फिर से इसी एरिया में पहुँच जाता हूँ, पता नहीं सारी जो गलियाँ हैं ना वो यहीं पर आके रुकती है क्या। एक जी का फोड़ेगा इस लाठी से, खोपड़ी ओपड़ी खोलेगा। गुड 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 गुड। हाय, हाउ आर यू? यू आर गुड? यू नो इंग्लिश? नो इंग्लिश, ओनली फ्रेंच एंड मेलागासी। मेलागासी, आई डोंट नो मेलागासी, ओनली हिंदी फ्रॉम इंडिया। व्हाट? क्या कह रहा है भाई? व्हाट आर यू सेइंग? What are you doing here? Because to speak in क्या कह रहे हैं भाई ये? No, no, I don't know Malagasy. English, I know English. Hindi, I know Hindi. I'm from India. Okay, bye bye, see you. Bye bye. चलते हैं भाई यहाँ से अब थोड़ा सा।
आप थोड़ा सा इस एरिया में चलते हैं यार, बैंक ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे बैंक ऑफ अफ्रीका का बैंक लगा है। यहाँ पे दो ही बैंक ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बैंक ऑफ अफ्रीका और एक BNI बैंक, BNI मेडागास्कर, दो बैंक सबसे ज़्यादा देखने को मिले। और यहाँ की टैक्सी कुछ ऐसी होती है, आप लोग देख लो, सारी की सारी टैक्सी है, टैक्सी स्टैंड है यहाँ का। और ये वाला जो एरिया है ना भाई, बिल्कुल खुला खुला है, यहाँ पे कोई भीड़ भड़ाका नहीं है। थोड़ा सा खुले में चल के बैठते हैं, थोड़ा सा आगे चल के बैठते हैं। ये खजूर के पेड़, यार भाई ये खजूर है या कुछ और है, ये कौन से पेड़ है यार, मुझे खजूर तो नहीं है, ये खजूर तो नहीं है, कुछ और ही पेड़ है ये। अच्छे हैं लेकिन पेड़, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं ये पेड़। पहुंच गए हैं ये जो यहाँ का बहुत ही खुला खुला एरिया है, यहाँ पे यही एक एरिया आपको सबसे ज़्यादा खुला खुला मिलेगा, वैसे और भी है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, थोड़ा सा पहाड़ों में बसा हुआ है ये। भगने दो, खुला होगा तो देखिए, अंदर थोड़ा सा चल के बैठते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये खुला है। ना, कोई अंदर एंट्री नहीं है इसमें, एंट्री अलाउ नहीं है। नहीं, अंदर चल के बैठते, इसको थोड़ा सा खुला रखना चाहिए वैसे लोगों के लिए, दोपहर में कोई बैठ जाए यहाँ पे आके। बना तो अच्छा खासा रखा है इन लोगों ने। और ये सामने बहुत बड़ी फार्मेसी दिख रही है ना, ये इंडियन की फार्मेसी है। कल वो नासिर भाई है ना, उन्होंने बताया था कि इंडिया वालों की फार्मेसी है। यहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन बहुत मिल जाएंगे, ज़बरदस्त भरपूर मात्रा में काफ़ी सारे इंडियन बिजनेसमैन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। इंडिया ने यहाँ के, ये मान लो यहाँ के बिजनेस में इंडिया का दबदबा है, इंडिया वालों का। यहाँ के लोगों में इतना वो एजुकेशन वगैरह नहीं होता, तो वो लोग इतना सोच ही नहीं पाते, वो लोग केवल फिजिकल जो मेहनत होती है ना उसमें बिलीव करते हैं, जो मेंटल मेहनत होती है ना उसमें बिलीव नहीं करते हैं वो लोग, बस फिजिकल मेहनत कितना भी करवा लो यहाँ के लोगों से। और वो नासिर भाई मुझे बता रहे थे यहाँ के लोग ना भाई, 1 लाख अरेरी 2 लाख अरेरी 2 लाख अरेरी होता है 4000 इंडियन रुपीज़ में, तो पूरे महीने हंसी खुशी काम करते हैं, और वो भी मतलब लगे रहते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, पूछो मत, ज़बरदस्त वाला। और ये है, अब यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है मुझे ये वाला एरिया, यहाँ पे लोग फोटोग्राफी वगैरह भी करने आते हैं यार। ये देखो भाई, ये यहाँ पे फवारे वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन इनको ऑपरेट नहीं करे, चालू करना चाहिए। और यहाँ से आप लोगों को एक बार चारों तरफ का पूरा जो मेडागास्कर सिटी सेंटर है ना, वहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो सिटी सेंटर, वैसे ये नहीं है सिटी सेंटर, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, वो ओल्ड सा मेडागास्कर का जो एंटानानारिवो का ओल्ड पार्ट है ना, वो है सिटी सेंटर। ये कोई यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग लगती है मेरे को शायद। और ये लोग यहाँ पे धूप में बैठे हैं यार, धूप में आराम फरमा रहे हैं, इतनी धूप में। अजीब, अभी ये देखो सूरज निकल रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पे ज़बरदस्त धूप थी, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मिल अरियरी, ये 1000 को ना, 1000 को ना मिल बोलते हैं, मिल अरियरी, मतलब मिल अरियरी मीन्स 1000 अरियरी। तो मैं 3 बनाना बहुत है यार, अभी मेरे को थोड़ा सा भूख लगी है, वो इंडियन रेस्टोरेंट जाना था लेकिन वो मिला मुझे बंद, तो अब 1000 ठीक है, 1000 बहुत है। 1000 ये है, देखो यहाँ पे 1000 अरियरी का नोट ही है। ओके या ओके ओके मर्सी। तो अब वापस से मैं जो बनाना लेके, अभी मेरा 3 बनाना में काम चल जाएगा, फिर अभी थोड़ा मैं सोच रहा था अभी खाना खा लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा शाम को नासिर भाई ने भी बोला था कि हम लोग बाहर चलेंगे, तो अभी तो मैं मेरे होटल जा रहा हूँ, फिर हो सकता है हम लोग शाम को वापस से बाहर घूमने फिरने निकलेंगे। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये मेडागास्कर का जो मार्केट था ये आप लोगों को पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, लाइक करें, कमेंट करें एल्गोरिथम के लिए। फिर मिलते हैं किसी एक ज़बरदस्त वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।